नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भाइयों, तमिल वास गुजरात के बीच में जो वीवो प्रो कबड्डी का 25वां मुकाबला खेला जाने वाला है उसके बारे में। और भाइयों, इस मैच में क्या होने वाला है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं भाइयों। और कल मजा आया, नितिन रावल को कैप्टन बना के दे दिया आपके भाई ने, है तबाही मचा दी कल। कल सबको फिर से ग्रेड लीग जिता दी भाइयों। आओ टेलीग्राम पे टीम देखो कल की, बोलोगे यार भाई यार क्या कर क्या रहे हो आप, हर मैच में जिता दे रहे हो। मैं सोचता हूँ आज हारोगे, लेकिन आज भी नहीं हारते हो भाइयों। कंटिन्यू आपका भाई सारे मैच जीतता जा रहा है। कबड्डी में ऐसी आंधी आई है आपके भाई के नाम की कि कोई ऐसा मैच ही नहीं जा रहा जिसमें मेरे बंदे ग्रेड लीग ना जीते हो, और कोई ऐसा मैच नहीं जा रहा जिसमें आपके भाई का प्रेडिक्शन तबाही नहीं मचा रहा हो। हर मैच में आपके भाई का प्रेडिक्शन तबाही मचा रहा है भाइयों। तो चलो आज के मैच में बात करते हैं तमिल और गुजरात की। आज के मैच में कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किसको मैं कब लेने वाला हूं उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलते हैं भाइयों, कहाँ चलते हैं, ड्रीम इलेवन पे चलते हैं, आज के मैच की टीम बनाते हैं। लेकिन हाँ भाइयों, एक खास बात है, पहले मैं आपको कल का रिजल्ट तो दिखा दूं। यार कल का रिजल्ट कितना शानदार रहा वो तो देखो पहले। आओ तो जरा टेलीग्राम पे कल का रिजल्ट दिखाता हूँ, थोड़ी तबीयत मस्त करता हूँ आपकी। ये देखो भाई, कल नितिन रावल को आपके भाई ने कैप्टन बनाया, वॉइस कैप्टन आशु मलिक को बनाया, दोनों चले, अल्ट्रा मेगा क्लेंसिव किया। और ये टीम मैंने आपको 8:03 पे जैसे ही लाइन अप आया वैसे ही दे दी, ये लो भाई लगा लो कमा लो। और इस मैच की दो ग्रैंड लीग की टीम अपने इंस्टाग्राम पे भी दी थी, और सभी मेंबर्स ने तबाही मचा दी, खूब छापा, सबने बोला भाई 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 मजा आया भाई मजा आया। हर मैच में जिता रहा हूँ भाई कबड्डी में, ऐसा कोई सा मैच नहीं जा रहा है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है भाई, वो ज्वाइन जरूर कर लेना। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इसकी भी लिंक मिल जाएगी आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ज्वाइन जरूर कर लेना भाई। चलो फाइनल टीम टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे दूंगा, पहले बता दिया आपको। और अब चलो आज के मैच की टीम बना के बताता हूँ भाइयों। भाइयों सबसे ऊपर है साहिल गुलिया। साहिल गुलिया के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं, 92% सिलेक्शन है आज के मैच में भाइयों। क्या 92% सिलेक्शन है तो इतना काम करने वाला है भाइयों? आज के मैच में साहिल गुलिया फिर से कैप्टन बनने वाला है। आज साहिल गुलिया फिर से कैप्टन बनने वाला है भाइयों। और बोलोगे भाई क्या बात कर रहे हो, कैसे बनने वाला है वो भी बताओ। चलो बता देते हैं आपको भाई, भाइयों साहिल गुलिया आज इसलिए कैप्टन बनने वाला है क्योंकि वो प्रतीक दहिया और अपना राकेश दोनों को टेकल करने वाला है, ठीक है? तो आज इसलिए ये कैप्टन बनने वाला है। और आज के मैच में तमिल तलाइवा जीतने वाला है तो साहिल गुलिया इसलिए भी तो कैप्टन बनने वाला है। और क्या है कि प्रतीक दहिया और राकेश, इन ये दोनों, राकेश संगरोया, अपना राकेश संगरोया, ये रेडर जो है पिछले साल तो तबाही मचा रहा था लेकिन आज तो 6% है, तो उसको पकड़ने वाला है साहिल गुलिया। प्लस प्रतीक जो है ऑलराउंडर में आ चुका है, प्रतीक दहिया जिसका सिलेक्शन है 71%, उसको भी साहिल गुलिया पकड़ने वाला है। तो भाई आज के मैच में यही दोनों तो रेडर हैं जो गुजरात की तरफ से ज़्यादा रेड लगाने वाले हैं, तो साहिल गुलिया आज के मैच में कैप्टन बनने वाला है क्योंकि उसके पास में वो बार बार आने वाले हैं। दोनों लेफ्ट कॉर्नर को अटैक करते हैं और साहिल गुलिया लेफ्ट कॉर्नर पर खेलता है, इस वजह से आज के मैच में कैप्टन बनने वाला है। चलो सोमवीर की बात करेंगे भाई, सोमवीर का सिलेक्शन 89%, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं आज के मैच में ये सचिन तन्वर को नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, अगर नरेंद्र खंडोला इसके हाथ में आ जाए तो आ जाए, नरेंद्र खंडोला को ये पकड़ सकता है, ठीक है? तो सचिन तन्वर को तो पकड़ नहीं पाएगा लेकिन नरेंद्र खंडोला को ये पकड़ सकता है। तो 89% सिलेक्शन है, नरेंद्र खंडोला देखो कितनी कितनी रेड लगाता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछले मैच में -2 में गया था, पिछले मैच में इसने लगाई थी रेड टोटल अनसक्सेसफुल रेड 6 और रेड बोनस 3, मतलब कि 9 रेड इसने लगाई थी। तो मतलब कि 9 बार मौका आने, अगर अपन एक एवरेज जोड़े तो 9 बार तो मौका रहेगा सोमवीर के पास में,
नरेंद्र खंडोला को पकड़ने का। तो 89% सिलेक्शन वाला जो प्लेयर है, 9 बारी बस मौके रहेंगे उसके पास में, तो इतना सोचो। बाकी हाँ, अगर बीच बीच में कूदेगा तो आउट होगा, क्योंकि नरेंद्र खंडोला को अगर पकड़ने की कोशिश करेगा तो पकड़ लेगा। बाकी चलो, नरेंद्र खंडोला को अपन मान लेते हैं कि सोमवीर पकड़ लेगा। एस राठी का पता नहीं भाई, वो खेलेगा नहीं खेलेगा, क्योंकि हर मैच में खेल ही नहीं रहा है, बैठा रहता है, देखता रहता है, अभी इंजर्ड भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं खेल रहा है। 5% सिलेक्शन है, अगर खेलता है तो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन जाएगा, क्योंकि ये मालूम है क्या करेगा, ये गुमान सिंह को पकड़ लेगा भाइयो, गुमान सिंह का शिकार करने वाला है अगर खेलता है तो। अभिषेक की बात करेंगे भाइयो, अभिषेक है लेफ्ट कवर, और आज के मैच में तमिल तलाइवा की तरफ से लेफ्ट कवर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा राइट कवर, इस वजह से मैं अभिषेक को ड्रॉप करूँगा। लेकिन हाँ, तमिल जीतता है तो आप टीम में ले सकते हो। और भाई देखो, मैच टीम आप जब बनाते हो तो सारे प्लेयर को लेके चलो, मैं आपको सबका बता दूंगा किस किस को कैसे लेना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन आपको अलग बनाना है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। चलो बात करते हैं, लेकिन हाँ, जो मेरे फिक्स प्लेयर रहते हैं उनको स्मॉल लीग में तो लेके ही चलना, नहीं तो आप स्मॉल लीग हाथ से गवा बैठ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका भाई हर मैच में क्लीन स्वीप करता है। और स्मॉल लीग से याद आया भाइयों, अगर स्मॉल लीग खेलते हो ना तो चलो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आओ तो जरा ये लीग 11 पे भाइयों, लीग 11 पे स्मॉल लीग खेलो, बहुत सस्ते कॉन्टेस है, 3850 का कॉन्टेस यहाँ पे 3710 का है, 2999 का यहाँ पे 2850 का है। तो भाइयों, कबड्डी अगर खेलते हो तो लीग 11 पे खेलो, कमाओगे भाई। और यहाँ पे क्या है कि कम पैसों में ज़्यादा विनिंग है, और आसानी से विनिंग से, कॉम्पिटिशन बहुत कम है यहाँ पे, और बढ़िया लगाओ, कॉन्टेस्ट भी बढ़िया फुल होते हैं, आपके भाई के सारे मेंबर्स यहीं पे खेलते हैं, पिछले 3 साल से आपका भाई लीग 11 का प्रमोशन कर रहा है, और मेरे जो सारे मेंबर्स हैं लीग 11 पे दबा के कमाते हैं, तो आप भी कमाओ अगर आपके पास में लीग 11 नहीं है तो। बाकी हाँ, डाउनलोड करने पर 200 रुपये फ्री मेरी तरफ से मिल जाएगा अगर आपके पास में नहीं है तो। लीग 11 की लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। चलो आओ वापस बात करेंगे डिफेंडर्स की। तो भाई नीरज कुमार, जिसका सिलेक्शन आज के मैच में 7% है, और ये खेलता है भाइयों, ये कहाँ खेलता है, राइट कवर, हाँ राइट कवर अपना, हाँ भाइयों ये खेलता है लेफ्ट कवर पे, राइट कवर पे नहीं खेलता है, नीरज कुमार जो है वो लेफ्ट कवर पे खेलता है, और आज के मैच में ये थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन हाँ जो वो है अपना खंडोला को ये पकड़ सकता है, 7% इसका सिलेक्शन है। गुजरात के फेवर में टीम बनाते हो तो इसको ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई कर सकते हो। अब बोलोगे भाई टीम कैसे फेवर में बनाना है, तो वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ, पहले अभी प्लेयर्स का समझो। एन कुमार, जिसका सिलेक्शन 64% है, और भाई शानदार खिलाड़ी, जब 5% था ना पहले दिन कैप्टन बना था, 133 जिस दिन पॉइंट लिए थे ना उस दिन मैंने इसको कैप्टन बना के दिया था, तो भूले तो नहीं, वो दिन भूलना मत भाई, ऐसे ऐसे कारनामे करता है आपका भाई। तो एन कुमार आज के मैच में क्या कर सकता है, आज के मैच में भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अभी से ही ले रहा हूँ भाइयों। बोलोगे क्यों, क्योंकि प्रतीक दहिया और अपना राकेश संग्रोया, देखो यहाँ से कॉर्नर पे साहिल गुलिया है तो उसके पास में रहेंगे ऐसे वो, तो वो उनकी टांग पकड़ सकता है, ठीक है। लेकिन जो एन कुमार है ना वो है राइट कवर, ठीक है, तो ये साहिल गुलिया के पास में है, लेकिन जो राइट कवर है इधर वो उसको डैश कर सकता है ऐसे जाके, तो बस एन कुमार इस वजह से आज के मैच में इम्पोर्टेंट है। और जो राइट कवर होता है, लेफ्ट कवर होता है, उनका काम है डैश करना, ठीक है, तो ये आज के मैच में इसके पास में डैश करने के 5-6 डैश कर सकता है, जैसे कल नदराजन का बताया था ना, उसने करे थे ना। तो भाइयों ऐसे प्रेडिक्शन आपको इसी ही चैनल पे मिलेंगे, बाकी सब तो तुक्केबाज हैं, उनके चक्कर में मत पड़ना, किसी के भी चक्कर में, बस प्रेडिक्शन आपके भाई का देखो, डीपी लगा के रखो, रोज ग्रैंड लीग जीतो। चलो बस्तामी की बात करेंगे भाइयों, बस्तामी आज के मैच में शिकार करने वाला है गुमान सिंह का, ठीक है, और गुमान सिंह सबसे मेन रेडर है गुजरात का, तो बस्तामी आज 5% वाला प्लेयर भी काम करके देने वाला है। तमिल आज के मैच में जीतेगा भाइयों, ठीक है, तो बस्तामी भी आज कमाल करके देने वाला है। चलो बात करेंगे अब ऑलराउंडर्स की, ऑलराउंडर्स में सबसे ऊपर है प्रतीक दहिया, और प्रतीक दहिया का सिलेक्शन है 71%, लेकिन भाइयों क्या प्रतीक दहिया इतना काम करने वाला है। देखो भाइयों, वैसे तो मैं आपको बात बताऊं
कि ये बंदा है ऑलराउंडर, ये दोनों ही काम करता है, रीडिंग भी करता है टेकल भी करता है। तो प्रतीक दहिया जो है अच्छा खिलाड़ी है और ऑलराउंडर है, चाहो तो इसको आप ले सकते हो दोनों ही कंडीशन में, स्मॉल लीग हो, ग्रैंड लीग हो, या फिर इसकी फेवर में टीम हो या उसके फेवर में टीम हो, ये काम करके दे सकता है। ठीक है, तो इसका बता दिया मैंने आपको। नवी बख्श सब्स्टिट्यूट खेल रहा है यार, इतना अच्छा खिलाड़ी खेल ही नहीं रहा है। आशीष 12% जिसका आज के मैच में, आशीष पता है क्या करेगा भाइयों, पिछले मैच में उसने कमाल कर दिया था, 50 पॉइंट ले गया था ये, और ये टेकल भी कर रहा है और रेडिंग भी कर रहा है, मतलब कि ऑलराउंडर की तरह ही खेल रहा है आशीष। तो भाई देखो, तमिल के फेवर में आप टीम बनाते हो तो चाहो तो इसको ले सकते हो। ठीक है, नरेंद्र खंडोला से तो मुझे सही लग रहा है ये बंदा। ठीक है, चलो बात करते हैं जय यादव की। जय यादव भाइयों आज के मैच में 31% है, और भाइयों इसको आप CVC बना सकते हो। बोलोगे भाई क्या बात कर रहे हो, इसको तो मैं टीम में ही नहीं ले रहा था, आप बोल रहे हो CVC बनाना है इसको। हाँ भाइयों, अब बोलोगे क्यों, ये भाइयों सचिन तनवर का शिकार करने वाला है कम से कम आज 3 या 4 बार। सचिन तनवर आने वाला रेड पे कम से कम 20 बार। तो जय यादव के पास में आज अच्छा मौका है कैप्टन बनने का, तो जय यादव देखो आज कैप्टन बनता है। बाकी यहाँ टेकल जरूर करने वाला भाई। बाकी यहाँ से बात करेंगे रेजा मेहर। भाइयों ये कवर का खिलाड़ी है गुजरात की तरफ से, लेफ्ट कवर पे खेलता है ये, नहीं ये राइट कवर पे खेलेगा भाइयों, क्योंकि लेफ्ट कवर तो अपना नीरज है। ठीक है, तो ये कवर का खिलाड़ी है भाइयों रेजा, और आज के मैच में ये इम्पोर्टेंट प्लेयर है भाइयों, इसको लेना पड़ेगा। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि ये भी सचिन का शिकार कर सकता है। ठीक है, तो सचिन को ये भी पकड़ सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और चाहो तो सोमवीर को हटा के यहाँ से आप प्रतीक दहिया को उठा सकते हो। ठीक है, ऐसा काम कर सकते हो। आज के मैच में थोड़ा सा अजीब व गरीब कॉम्बिनेशन बनने वाला है भाई, मतलब आज ग्रैंड लीग आ रही है फिर से, रोज ही आती है भाई, रोज ही आती है। चलो बात करेंगे तनवर की, सचिन तनवर जिसका सिलेक्शन आज के मैच में 93% है, और पूरे सीजन में लेने की बात करिए, पहले मैच से पूरा सीजन उठा के चलना है सचिन तनवर को। बोलोगे क्यों, आपके भाई का ये फेवरेट खिलाड़ी है, बस ये सोचो आप, ये बंदा हमेशा मुझे जिता के देता, जो मुझे जिता के देता वो मेरा फेवरेट खिलाड़ी है भाई। आज के मैच में भी शानदार रहने वाला है, और ये आज टेकल भी करने वाला है, कम से कम आज ये 2 से 3 टेकल करेगा, तो 61 पॉइंट तो वहीं से हो जाएंगे। बाकी रेडिंग से आज भाई 101 पॉइंट ले सकता है। ठीक है, सुपर 10 आज इसका मुझे कंफर्म दिखाई दे रहा है। तो सचिन तनवर आज के मैच में भाइयों कैप्टन बनाने लायक प्लेयर रहने वाला है, साहिल गुलिया और सचिन तनवर सबसे बेस्ट। ठीक है, खंडोला को भी आप चाहो तो ले सकते हो भाई, तमिल जीतेगा तो हो सकता है खंडोला भी चल जाए, और ये कभी कभी टेकल भी कर देता है, लेकिन एक रिस्क लूंगा मैं, अभी बताऊंगा वो रिस्क कैसा है। गगन सिंह की बात करेंगे भाइयों, गुमान सिंह की बात करेंगे भाइयों, 10% सिलेक्शन है आज के मैच में, और ये कमाल कर सकता है आज के मैच में, 10% वाला प्लेयर, थोड़ा इस पे ध्यान रखना भाइयों। ठीक है, ये आपको मालामाल भी कर सकता है, लेकिन हाँ इसका शिकार तमिल की तरफ से बस्तामी और अभिषेक जो है, अभिषेक जिसकी शक्ल बहुत खतरनाक है, अभिषेक और बस्तामी, ये इसका शिकार करने वाले हैं आज गुमान सिंह का। ठीक है, और चाहो तो ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग की पिक है, गुजरात के फिर में जाते हो तो मेन रेडर है ये। ठीक है, पॉइंट भाई बहुत ज्यादा ले जाता है कभी कभी। राकेश संग रोया जिसका सिलेक्शन आज के मैच में 6% है, गुजरात के फेवर में अगर टीम बनाते हो तो देखो भाई, या तो प्रतीक दहिया को उठाना या तो संगरोया को उठाना, दोनों में से कोई एक ही चलेगा, क्योंकि दोनों का काम एक ही है, एक ही साइड रेडिंग लगाते हैं, और दोनों एक साथ कभी नहीं चले आज तक के रिकॉर्ड रहा है दोनों का। रंजीत की क्या बात करूं, खेलेगा ही नहीं। एच सिंह सब्स्टिट्यूट था, इतने पॉइंट लेगा कि 45% सिलेक्शन हो गया, पिछले मैच में इसने तबाही मचा दी भाइयों गुजरात की तरफ से, और आज के मैच में भी आ सकता है ये सब्स्टिट्यूट में, क्योंकि गुजरात आज भी हार सकता है, तो फिर से इसको बुला लिया जाए, तो भाई आ जाओ गुजरात की तरफ से, ये शानदार खिलाड़ी है भाइयों, 2 मैच में तबाही मचा चुका है, ये टेकल भी कर रहा है रेडिंग भी कर रहा है भैया, ये हिमांशु सिंह तबाही मचा रहा है ये, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना, और खासकर ध्यान जब रखना जब आप तमिल के 5 प्लेयर उठाओ,
ठीक है, पांच प्लेयर की कहानी क्या है वो आपको आगे बताता हूँ। चलो अभी इस टीम को पहले मैं कंप्लीट करता हूँ। तो पांच प्लेयर की कहानी ये है भाइयों कि कभी भी आप अगर टीम बनाओ तो एक टीम के पांच प्लेयर उठाओ और दूसरी टीम के बाद दो या एक ही उठाओ, छह एक बनाओ या तो पांच दो बनाओ। कबड्डी में खासकर यही करना है आपको। बोलोगे क्यों? ग्रैंड लीग जीतना है ना, तो इसलिए करना पड़ेगा आपको ये, क्योंकि हर मैच में कबड्डी के मैच में मैं पांच और दो का कॉम्बिनेशन या तो छह एक का कॉम्बिनेशन आपको बना के देता हूँ और ड्रीम टीम निकलती है। ठीक है, तो कबड्डी के 99% मैचों में ऐसा ही कॉम्बिनेशन आता है जिसमें पांच और दो का कॉम्बिनेशन होता है या तो छह एक का कॉम्बिनेशन होता है। छह तो अभी बन रहा है इसलिए छह एक बोल रहा हूँ, बाकी पांच दो का हमेशा आता है। तो पांच और दो, अगर तमिल के फेवर में टीम बनाओ तो उनके पांच प्लेयर उठाओ, अगर गुजरात के फेवर में टीम बनाओ तो उनके पांच प्लेयर उठाओ, बस इतना काम आपको करना है। तो ये पांच प्लेयर मैं ले रहा हूँ तमिल के, मुझे लगता है ये पांच प्लेयर आज के मैच में तबाही मचाने वाले हैं और दो जो ऑलराउंडर है उनको कोई टच भी नहीं करने वाला है। मतलब कि इसी टीम से आप चाहो तो ग्रैंड लीग जीत सकते हो। और इस टीम में सबसे बढ़िया कैप्टन वाइस कैप्टन साहिल गुलिया और सचिन तन्वर है, तो इन दोनों को मैं अपना सीवीसी बनाने वाला हूँ। ठीक है भाइयों, अब बात करेंगे गुजरात के फेवर में अगर आप टीम बनाते हो उसकी। अब अगर आप भाई गुजरात के फेवर में टीम बनाते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, गुजरात के पांच प्लेयर उठाना है। और वो पांच प्लेयर कौन से रहेंगे? देखो ये दो ऑलराउंडर ठीक है, और चलो प्रतीक दहिया को उठा लेता हूँ और यहाँ से जी सिंह को उठा लेता हूँ और यहाँ से अपना सोमवीर, ये पांच प्लेयर मैं उठाने वाला हूँ। ठीक है, अगर गुजरात के फेवर में मैं टीम बनाऊंगा तो। और इस टीम में मैं यहाँ से सचिन तन्वर और साहिल गुलिया जिनके पास में आज बहुत मौका है इन दोनों को उठा लूंगा। ठीक है, सिंपल सी टीम बन जाएगी गुजरात के फेवर में भी, है ना। बाकी अगर आप चाहो तो इस टीम में थोड़ा चेंज करके जैसे कि साहिल गुलिया की जगह पे इन कुमार को भी ले सकते हो। सचिन तन्वर को मत हटाओ, सचिन तन्वर बहुत खतरनाक है भाइयों। ठीक है, सचिन तन्वर को मत हटाओ, वैसे तो साहिल गुलिया भी खतरनाक है, पर देखो भाई जब डिपेंड ये इनकी टीम गुजरात के रेडर्स चलेंगे तो वो फ्लॉप हो सकता है। बाकी सचिन तन्वर ऐसा है कि वो रेडिंग वो टेकल दोनों ही करता है। चलो इस टीम में बात करेंगे सीवीसी की। तो भाई ये देखो सबसे बढ़िया कैप्टन रहेगा जय यादव और सबसे बढ़िया वॉइस कैप्टन रहेगा, चाहो तो सचिन तन्वर को बना दो, चाहो तो आप यहाँ से ये जो नया है डिपेंडर है ऑलराउंडर में बैठा हुआ, दोनों डिपेंडर है ये ऑलराउंडर में दिख रहे हैं। आप समझो कि आपके इस टीम में चार डिपेंडर हैं। ठीक है, तो भाइयों ये कॉम्बिनेशन बनेगा गुजरात के फेवर में। बाकी भाइयों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और टेलीग्राम की टीम तो वैसे मैं दिखा चुका था, एक और बार देख लो ऐसी टीम देता है आपका भाई, तो टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना। और इस मैच की दो ग्रैंड लीग की टीम इंस्टाग्राम पे दूंगा तो इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लेना। बाकी भाइयों लीग 11 की लिंक भी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड भी कर लेना, ₹200 मेरी तरफ से फ्री में ले लेना। चलो भाइयों अब मिलेंगे कब? नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।